आईपीएल 2020 की शुरुआत में अभी काफी समय बचा है और दोस्तों हमने कुछ वीडियोस पहले आपको बताया था कि आईपीएल 2020 में अब आपको 10 टीमें खेलती हुई नजर आ सकती है और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन सी होने वाली है वह दो नई टीमें जो आपको आईपीएल 2020 में खेलती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप भी इन दो नई टीमों के बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीम जीत जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आईपीएल 2020 की नई टीमों के लिए जो दो नई टीमें होने वाली है उन दो स्लॉट्स के लिए कुल 6 टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और अगर उन 6 की 6 टीमों के बारे में बात करें तो जो पहला ग्रुप है वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो रांची की टीम को आईपीएल में लाना चाहता है। दूसरी टीम के बारे में बात करें तो वो अडानी ग्रुप है। दोस्तों अडानी ग्रुप अहमदाबाद की टीम को आईपीएल 2020 में लाना चाहता है। और दोस्तों जो तीसरी टीम होने वाली है वो हो सकती है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। दोस्तों आरपीएस की टीम आईपीएल 2016 और 17 का सीजन भी खेल चुकी है। आरपीजी ग्रुप इस टीम को रन करता है और आरपीजी ग्रुप भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को आईपीएल में फिर से लाया जाए। और दोस्तों चौथी टीम की बात करी तो वो हो सकती है गुजरात लॉयंस। दोस्तों गुजरात लॉयंस की टीम मैनेजमेंट भी यह पूरी तैयारी कर रही है कि एक बार फिर से आईपीएल 2020 में इस टीम का कमबैक कराया जाए। और दोस्तों जो छठी टीम है जिसने एक बार दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो हो सकती है कोची टस्कर्स। दोस्तों आईपीएल के शुरुआती सीजन्स में कोची टस्कर्स भी कई टीमों का हिस्सा हुआ करती थी तो अब आईपीएल 2020 में दोबारा से इस फ्रेंचाइज ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो दोस्तों अगर आईपीएल 2020 में कोई दो नई टीमें खेलती है तो उसकी पूरी संभावना है कि इन 6 टीमों में से ही कोई दो टीमें खेलने वाली है। और दोस्तों अब अगर बात करें कि कौन सी हो सकती है वह दो टीमें तो दोस्तों इस वक्त जो सबसे बड़ी उम्मीदें हैं वो यही हो सकती है कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स या फिर जो गुजरात लॉयंस है या फिर जो कोची टस्कर्स है इन तीन टीमों में से ही कोई दो नई टीमें आ सकती है। क्योंकि दोस्तों यह तीन टीमें आईपीएल पहले भी खेल चुकी है और जो आरपीएस और गुजरात लॉयंस है जो आईपीएल के जिन्होंने अभी तक दो ही सीजन खेले हैं दोनों के दोनों सीजन इन दो टीमों के कमाल के रहे हैं। तो इस वजह से सोशल मीडिया पर इन दोनों टीमों को फैन फॉलोइंग्स भी मिलने वाली है तो इसके बहुत बहुत चांसेस है कि आरपीएस और गुजरात लॉयन ही एक बार दोबारा से आईपीएल में कमबैक कर जाए। तो दोस्तों इसी वजह से मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि यही दो नई टीमें आपको आईपीएल 2020 या फिर आईपीएल 2021 की सीजन में खेलती हुई नजर आए। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी दो नई टीमों को आईपीएल में अपना कमबैक करना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।